जो आदेश कह रहे थे कि जाट गैर जाट राजनीति वो समीकरण हावी होता दिखा, तस्तरी पर मुद्दे थे, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अनिलारिया, औरतों के शोषण की बात भी एक वो मुद्दा बना था, अग्निपथ एक मुद्दा था, सब कुछ था, पर काम नहीं कर रहा। देखिए हरियाणा में जो हुआ है ना वही हुआ है जो पहले होता है। जो नॉन जाट वोट बैंक है वो पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा दिखाई दिया है। जो भाजपा के गढ़ थे, चाहे जीटी बेल्ट आप देख लीजिए, अहिरवाल देख लीजिए, गुड़गांव देख लीजिए, फरीदाबाद देख लीजिए, वो भाजपा के साथ खड़ा है। जो ओल्ड रोहतक था जिसमें सोनीपत, झज्जर, रोहतक डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो कांग्रेस के साथ है। तो मुझे लगता है कि जो मुद्दे थे वो मुद्दे उन इलाकों तक सिमट के रहेंगे। जहाँ तक अग्निवीर की बात है संदीप जी, कि लोकसभा चुनाव में जो 5 सीट भाजपा ने जीती उसमें से 3 सीट हुए हैं जहाँ से बहुत संख्या में लोग सेना में जाते हैं, भिवानी, महेंद्रगढ़, अहिरवाल, गुड़गांव और फरीदाबाद काफ़ी संख्या में जाते हैं, लेकिन वहाँ से भाजपा जीती है। ऐसा नहीं नहीं जीती है, इशू वही था कि भाजपा का जो नॉन जाट वोट बैंक है वो उसके साथ इंटैक्ट है। दूसरा जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे, जो पर्ची खर्ची वाला मुद्दा है, चाहे नीरज शर्मा का बयान रहा हो, चाहे संत के शमशेर का बयान रहा हो, उससे ये एक मैसेज चला गया। लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव से पहले हटाना और फिर पोस्टरों से गायब कर देना, वो एंटी इनकम्बेंसी की एक काट के तौर पर काम करता दिखा है क्या? मैं तो उस बात को पहले भी कहा है कि हरियाणा में एक मुद्दा था मनोहरलाल खट्टर, उनके खिलाफ एक मूवमेंट, लोगों में रोष था, भाजपा के कैडर में भी था, जनता के बीच में भी था, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली थी वो लोगों से कट के काम करने की कार्यशैली थी। अब यहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है धर्मेंद्र प्रधान ने, और वो प्रभारी भी हैं हरियाणा बीजेपी के। मनोहर लाल खट्टर से अब मुलाकात भी हो रही है, इसके राजनीतिक मायने क्या देखते हैं? देखिए इसके मायने साफ है, एक तो कट सी मुलाकात इसलिए करेंगे कि भैया सरकार आ गई, अनएक्सपेक्टेड नंबर्स बीजेपी को मिल गया, और एक पॉलिटिकल संदेश होता है इस टाइम पे कि अब मीटिंग से दूर चलेंगे, नड्डा साहब से मिलेंगे, फिर धर्मेंद्र प्रधान खट्टर साहब से मिलेंगे, फिर मुख्यमंत्री सैनी से मिलेंगे, तो ऐसे ही दौर चलेगा। लेकिन गुजरात की तरह मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी हरियाणा में अपना एक वोट बैंक तैयार करने में लॉन्ग टर्म में कामयाब हो गई है। हाँ। वो ऐसा वोट बैंक हो गया, इतना साइलेंट है कि उसने चू तक नहीं करी और चुपचाप जाकर ठप्पा मार दिया। बिल्कुल।